जिनेन्द्रम गतसाक्षम श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम् विरचते स्वल्पधियामिताय। हम गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पिछली बार समुद्घात देखा था। उसमें किसी का कोई प्रश्न है समुद्घात के बारे में? मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर जाना, उसे हमने समुद्घात कहा था। उसके हमने सात भेद किए थे, तो उसका एक चार्ट बनाया था, वो भी आपने सबने देख लिया क्या? आप सभी लोग म्यूट हो शायद, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा चार्ट तो है। भेजा चार्ट नहीं आपने? है? नहीं भेजा ना, भेजा नहीं है देख, आपने? भेजा है थोड़ा चेंज करके कुछ। मैंने ग्रुप पे डाल दिया ना। हाँ डाला है, हाँ डाला कल मैंने चार्ट भी डाला था, समुद्घाट चार्ट पीडीएफ वाला। फिर उसके बाद हाँ में जो पहले पहले प्रश्न पांच भेजे थे उसके आंसर भी भेजे थे, और हाँ हाँ डाला कहा था। था कि आप उसके बारे में कहना। तो पहले हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। मैं ये शेयर ऑफ कर देती हूँ। और जो हमने मैंने इमेज ली है, जो मेरे ही क्वेश्चन है उसको ही मैं प्रोजेक्ट करती हूँ। ये जो हमारे क्वेश्चन थे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी मैं आंसर भेज दूंगी, लेकिन किसी किसी के मुझे ऐसे लगा कि बहुत अलग अलग क्वेश्चन आए हैं आंसर्स, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रश्न पहला तो जो था, जीव में विभाव पर्याय कहाँ तक है? किसी किसी ने 13वें गुणस्थान तक कहा, किसी किसी ने 14वें गुणस्थान तक कहा। हर एक की अपेक्षा होती है, लेकिन हमने विभाव पर्याय कहा था। विभाव पर्याय वो है जहां तक पूरा परिणमन शुद्ध नहीं हो सारे गुणों का। तो जब विभाव पर्याय होती है तो वो हम व्यंजन पर्याय में भी लगाएंगे और अर्थ पर्याय में भी लगाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसा आया नहीं है, लिखा हुआ नहीं आया है कि व्यंजन पर्याय का विभाव पर्याय कहाँ है या अर्थ पर्याय की कहाँ है। तो जीव में विभाव पर्याय कहाँ तक है, तो यहाँ पे पूरा लेना, कितना? 14वें गुणस्थान तक, पूरे 14वें गुणस्थान तक, क्योंकि उसके बाद की नेक्स्ट स्टेट क्या है? सिद्धावस्था है। और हमें पता है सिद्धावस्था स्वभाव पर्याय है, क्योंकि सभी गुणों का स्वाभाविक परिणमन वहां पे हो रहा है। तो ये जो पहले का आंसर है, जीव में विभाव पर्याय कहाँ तक है, तो 14वें गुणस्थान लेना, क्योंकि हम अभी अभी जो आज का टॉपिक है वो उसी पे है कि जो 13वें गुणस्थान में चार घाती तो गई थी, सुख तो प्रकट हो गया था, लेकिन वहां पे प्रदेशत्व गुण का स्वाभाविक परिणमन नहीं था। प्लस और भी है ना, जो प्रतिजीवी गुण कहते हैं, जैसे हमने आठ कर्म लगाए थे और आठ कर्म के परिप्रेक्ष्य में हमारे कुछ न कुछ गुण प्रकट होते हैं, तो ये जो अघाती कर्म है उसके अपोजिट में अव्यबाधित्व, अवघानत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, ये गुणों का प्रगटता होती है। तो जब तक वो है 13वें गुणस्थान में, वहां तक वो पर्याय विभाव ही रहती है। तो एक तो प्रदेशत्व गुण वो तो हो गया, और दूसरा ये अर्थ पर्याय में भी विभाव पना कायम रहता है। दूसरा प्रश्न था व्यंजन पर्याय असमान, डिफरेंट, और अर्थ पर्याय समान हो, ऐसे द्रव्य कौन से हैं? देखिए यहाँ पे हमने
हमें व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय इस पे लगाना है और द्रव्य ढूंढने हैं। तो अगर मैं कहूंगी कि अगर धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य की अर्थ पर्याय समान होती है, व्यंजन नहीं, असमान होती है? नहीं, वो तो एक ही द्रव्य है और उसमें कुछ घटबट नहीं है, कुछ नहीं है। तो वैसे ही धर्म अधर्म, काल आकाश और काल, ये चारों में ये नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे हमें क्या करना है, आकार डिफरेंट ढूंढना है। व्यंजन पर्याय असमान बोली है, हाँ, तो व्यंजन पर्याय असमान हो माने आप उसको ऐसा ले लो कि ऐसे कौन से द्रव्य है जो अभी अर्थ पर्याय उसकी समान है, माने सभी गुणों का परिणमन एकदम सही से चल रहा है, समानता से चल रहा है, लेकिन उनके आकार डिफरेंट डिफरेंट है। जीव और पुद्गल दीदी। हाँ, तो लेकिन ये पुद्गल का ना, हम पुद्गल को डायरेक्टली पुद्गल नहीं कह सकते इस अपेक्षा से, क्योंकि व्यंजन पर्याय अलग अलग है। तो अगर अलग अलग मुझे उसका पर्याय करनी है तो मुझे स्कंद की लेनी पड़ेगी ना। तो अगर स्कंद की लोगी तो अर्थ पर्याय सभी स्कंद की सेम रहती है? नहीं, अलग अलग होती है। अलग होती है, तो पुद्गल भी हट गया, फिर रह गया जीव। ठीक है, तो जीव की व्यंजन पर्याय, जीव का आकार डिफरेंट हो सकता है और अर्थ पर्याय समान हो। अर्थ पर्याय सभी की समान कब हो सकती है? सिद्ध अवस्था में। हाँ, हमें घटपट नहीं चाहिए, सभी अर्थ पर्याय लेंगे, सभी गुणों की। सभी गुणों की माने आप सम्यक्त्व ले लो, चारित्र्य को सभी गुण ले लो, तो ये सभी गुण की अर्थ पर्याय अगर हमें सेम चाहिए तो ये सिद्ध पर्याय में आ जाएगा। और सिद्ध पर्याय में व्यंजन पर्याय सबकी सेम रहती है क्या? हमने कहा था कुछ न्यून पुरुषाकार, जो कि हर एक का अलग अलग हो सकता है। हाँ, समझ में अलग हो आया ना? सकता है तो व्यंजन है ना? पर्याय। तो दीदी, हाँ, धर्म अधर्म आकाश काल में समान रहेगी ना? अर्थ रहती है। पर्याय, अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय क्यों असमान रहेगी? समान समान। हाँ, तो हमें वैसा नहीं चाहिए ना, हमें अच्छा, क्या कहता, व्यंजन पर्याय असमान चाहिए और और अर्थ हम पर्याय समान चाहिए, ऐसा एक ही, मतलब जो एक सही, मतलब एक ही द्रव हो। मतलब मैंने लिखा जीव और पुद्गल में असमान और धर्म अधर्म आकाश काल में समान। नहीं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था एक्चुअली, मैं बता रही हूँ, हमें तो धर्म अधर्म आकाश काल लेने ही नहीं है थे, लेने ही नहीं थे, क्योंकि अगर धर्म द्रव्य को मैं लूंगी तो धर्म द्रव्य एक ही है। हाँ, को उसको कंपेयर कैसे करूंगी? सबकी व्यंजन पर्याय मैंने उसकी व्यंजन पर्याय किससे करूंगी? ये दो द्रव्यों की कंपेरिजन की बात चल रही है ना, तो धर्म द्रव्य तो एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य भी एक है, तो इनकी बात ही नहीं चल रही यहाँ पे। समझ में उद्गम और आया? काल जीव की द्रव्य में भी व्यंजन पर्याय क्या एक होती है? एक प्रादेशिक कालानु होती है, सबकी समान ही होती है, वहां पे असमानता होती ही नहीं है, स्वाभाविक वही है। तो हम धर्म अधर्म आकाश काल को यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक जीव है? द्रव्य और पुद्गल दोनों। रह गए जीव और पुद्गल। तो हमने अगर पुद्गल तो लिया, तो पुद्गल की अगर व्यंजन पर्याय मैंने असमान कर दी तो मैं क्या हो जाऊंगी? वो तो स्कंद स्कंद हो हो गया, स्कंद जाऊंगी ना। हाँ, हो गया। हाँ। व्यंजन पर्याय असमान बोला है तो वो स्कंद हो जाएगा, तो स्कंद में अर्थ पर्याय समान हो सकती है क्या? नहीं नहीं, के स्पर्श रस नहीं गंध डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। गॉट इट? आपको समझ में आया क्या बताना चाहते हैं? तो हाँ दीदी, जीव में ही हो, परमाणु में समान हो सकती है ना? ले लो, अगर आपकी व्यंजन पर्याय आवाज नहीं परमाणु आई की, शुरू। हाँ, शुरू में नहीं आई थी। रही है, आ रही आवाज कटती है, है। आ रही है, आ रही है।
हाँ देखिए, अभी अगर मैं देखो यहाँ पे व्यंजन पर्याय असमान कहा है, तो स्कंद में हो सकता है लेकिन वहां पे अर्थ पर्याय समान नहीं हो सकती। अगर मैं परमाणु लूंगी तो अर्थ पर्याय समान होगी ही होगी, क्योंकि परमाणु की सभी की नहीं, सॉरी, अर्थ पर्याय डिफरेंट हो सकती है ना, हर एक परमाणु का स्पर्श गंध वर्ण डिफरेंट हो सकता है, और परमाणु एक ही प्रदेश ही रहता है, उसकी व्यंजन पर्याय असमान कभी नहीं रहेगी। उसके स्कंद होगा जब होगी नहीं, तो असमान। अर्थ पर्याय समान तो प्रदेश व गुण छोड़ के सभी में होगी ना। हाँ तो तो मैंने ऐसा सबकी ही लिखा समान, है कि अर्थ पर्याय समान प्रदेश व गुण छोड़ के सभी में। यहाँ पे द्रव्यों में कौन से, ये प्रश्न प्रश्न था ना, तो हाँ, द्रव्य देखिए में। हाँ द्रव्य में था, इसीलिए ये तो पता चल गया कि धर्म अधर्म आकाश और काल में ये नहीं लगेगा। हाँ हाँ ये द्रव्य नहीं आएंगे। फिर हाँ हमने पुद्गल देखा, तो पुद्गल में स्कंद लेंगे तो स्कंद में व्यंजन पर्याय असमान आएगी, क्योंकि हर एक स्कंद का आकार डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ये बात सही है। लेकिन अर्थ पर्याय समान कैसे हो सकती है, क्योंकि हर एक स्कंद में जो स्पर्श गंध वर्ण गुण है वो डिफरेंट होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं। जी, स्कंद तो अलग टाइप के होते हैं ना। स्पर्श अभी हमें रसगुल्लो। पता है अगर मैं पानी लूंगी तो वो भी एक स्कंद ही है ना, हमने देखा था ना जल रूप, जो हाँ, सूक्ष्म 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 देखा स्थूल, है। ये तो हमने पुद्गल के स्कंद के ये किए थे स्तर, तो उसमें द्रव पदार्थ क्या था, लेकिन उसका और ये इरेजर का सेम हो सकता है कि स्पर्श गंध वर्ण नहीं, नहीं। तो इससे यह पता चल जाता है कि अगर वो स्कंद लिया तो भी उसके स्पर्श रस गंध वर्ण हमेशा ही अलग रहते हैं, तो अर्थ पर्याय उनकी हमेशा असमान ही अलग। रहती, समान नहीं होती है। तो दीदी, सिद्ध की अर्थ पर्याय समान कैसे होगी? उनका भी अच्छा, उनके गुण वगैरह सब समान ही है। हाँ, अब आया समझ। जीव द्रव्य में सभी जीवों के द्रव्य समान है, तो अगर मैं अर्थ पर्याय लगाऊंगी, जब मैं सिद्ध अवस्था जाऊंगी, तो सभी द्रव्यों का स्वभाव पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय सभी की समान चलेगी। हाँ हाँ, लेकिन हाँ उनकी व्यंजन पर्याय, जीवों में बहुत सारे जीव उठाना, वहां पे अर्थ पर्याय सभी की समान है, लेकिन व्यंजन पर्याय कोई 7 हाथ का है तो कोई 525 धनुष से कुछ कम है, 7 हाथ से कुछ कम है, तो उनके अवधाना, उनके आकार, क्योंकि वो कुंचित न्यून पुरुषाकार कहा है, उनके उनके अंतिम शरीर का आकार से कुछ कम हो जाता है, तो वो हर एक का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अर्थ पर्याय सभी गुणों की क्या रहती है, समान रहती है। जीव में सभी की समान रहती है अर्थ पर्याय दीदी, सिद्ध अवस्था में सिद्ध अवस्था में। ओ, अभी आया क्वेश्चन का आंसर समझ में, या अभी किसी को डाउट है तो वो पूछना। स्वभाव और अर्थ पर्याय, स्वभाव विभाव में सिद्ध भगवान की सिद्ध दशा सबकी समान है। स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। हाँ, सिद्ध में ये दो ही होते हैं, स्वभाव स्वभाव होता है, हाँ, लेकिन जो व्यंजन पर्याय का स्वभावत्व है वो असमान भी हो सकता है, आकार उसका बड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि वह किंचित न्यून पुरुषाकार कहा था, उसमें हमें आकाश छोटा बड़ा। हम अशुद्धि कब लगाते हैं आकार में, जब उसमें पोले हो या शरीर हो वहां पे, तब हम कहते हैं कि अभी क्या है, वो अशुद्धता है, अभी तक पूरा परिणमन नहीं हुआ है। जब सिद्ध दशा प्राप्त हो जाती है तो वो ठोस आकार जो बनता है वो हमने स्वभाव व्यंजन पर्याय कही थी, तो जीव हाँ, में वो सिद्ध पर्याय जब आती है तभी होती है, उससे पहले भी होती है। अर्थ पर्याय में जब आते हैं तो उसमें तो प्रदेश गुण तो नहीं छोड़ देना, तो उसका स्वभाव अर्थ पर्याय कैसा गुण समझने का उनका भी।
देखो सिद्ध पर्याय में दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, तो इन सब का परिणमन कैसे हो चला चल रहा है? सम्यक रूप से चल रहा है, पूरा पूरा चल रहा है। ज्ञान पूरा केवल ज्ञान है, दर्शन पूरा केवल दर्शन है, चारित्र पूरा शायिक चारित्र है, फिर वीर्य पूरा अनंत वीर्य प्रकट हो चुका है। तो ये सब पूरे पूरा प्रगटता हुई है ना, तो अर्थ पर्याय सभी की समान होती है। वहां पे महावीर भगवान हो या बाहुबली भगवान हो, उनके अर्थ पर्याय में अभी कुछ डिफरेंस नहीं, वो तो सभी सेम है। लेकिन हाँ, बाहुबली भगवान की और महावीर भगवान की अवगाहना व्यंजन पर्याय में असमानता आती है, क्योंकि उनके शरीर से वो छोटे होते हैं, ठोस पुतला होता हाँ है, लेकिन वो क्या होते हैं, अंतिम शरीर से कुछ कम थे ना। आयल समझ में अवगाहना आया? अवगाहना समझेंगे तो असमान होगा सिद्ध भगवान सिद्ध दशा में व्यंजन हाँ, आप लीजिए ना, पर्याय व्यंजन व्यंजन पर्याय माने आकार लेना, अलग व्यंजन हाँ पर्याय प्रदेशत्व गुण का परिणाम है, वहां पे हम आकार लगाते हैं, जीव हाँ का आकार। तो हमारा जो अभी आकार है वो अशुद्धता पूर्व है, क्योंकि विभाव है। नहीं हमारा ठोस है क्या? नहीं है। जब ठोस हो जाता है तो हम उसे स्वभाव कहते हैं, और वो सिद्धों का होता है, लेकिन वहां पे असमानता होती है। हाइट कम ज्यादा होती है, शरीर की अवगाहना कम ज्यादा होती है। ये दूसरे का उत्तर था। तीसरा उत्तर दीदी है, नहीं नहीं दीदी हमने एक एक मिनट बार, अर्थ पर्याय समान तो सिद्ध दशा की ही होगी ना तो यहाँ पे आंसर सिर्फ जीव द्रव्य सिद्ध पर्याय में यही आंसर है उसका। कौन से द्रव्य का? जीव द्रव्य का, और वो भी बराबर सिद्ध पर्याय में, यही अर्थ आंसर है उसका। पर्याय में जीव द्रव्य आएगा हाँ समान अभी प्रश्न तीसरा, स्वभाव व्यंजन पर्याय के साथ विभाव अर्थ पर्याय हो ऐसा द्रव्य बताओ। अभी थोड़ा सा विचार करने लायक है। आपने सभी ने इसका आंसर बहुत अलग 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 दिया है। पहले सोचिए, चौथे प्रश्न का उत्तर करते हैं पहले। व्यंजन और अर्थ पर्याय में पहले शुद्ध कौन हो जाता है? तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, पहले सिद्ध अर्थ पर्याय शुद्ध हो जाती है, क्योंकि हमारा दशा व्यंजन पर्याय एक ही गुण है, लेकिन अर्थ पर्याय में बहुत सारे गुण है, तो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो वो क्या हो जाती है? स्वभावता शुद्ध हो जाती है। फिर क्या हो जाता है? फिर धीरे धीरे 13वें गुणस्थान में ज्ञान होगा, वीर्य होगा, तो ये धीरे 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 बढ़ता है। हाँ, तो अर्थ पर्याय पहले शुद्ध हो जाती है और व्यंजन पर्याय बाद में शुद्ध हो जाती है। इतना आपको चौथे का प्रश्न का उत्तर समझा? हाँ, अभी तीसरा प्रश्न देखिए। स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय में हमें इमेजिन करना है, व्यंजन पर्याय माने प्रदेशत्व गुण का परिणमन, प्रदेशत्व गुण का स्वाभाविक परिणमन माने ठोस आकार, तो किसका होता है? सिद्ध। एकदम सही जवाब, सिद्ध का होता है। अभी अभी वहां पे स्वभाव व्यंजन पर्याय की, यहाँ पे सिद्ध लेना, सिद्ध के साथ विभाव अर्थ पर्याय हो ऐसा द्रव्य हो सकता है क्या? नहीं होता जीव द्रव्य हो गया। यही आंसर था। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसकी व्यंजन पर्याय स्वाभाविक हो गई हो और अर्थ पर्याय अभी बाकी है, कभी भी नहीं। आपने सभी ने दूसरा क्वेश्चन का आंसर बहुत, चौथे क्वेश्चन का आंसर बहुत सही दिया, कि पहले अर्थ पर्याय शुद्ध होती है, फिर व्यंजन पर्याय शुद्ध होती है, लेकिन ऊपर वही पूछा है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया था कि अर्थ पर्याय जो है उसका विभाव चल रहा है, लेकिन व्यंजन पर्याय स्वाभाविक हो रही है, ऐसा कोई द्रव्य हो सकता है क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले अर्थ पर्याय स्वाभाविक पूर्ण परिणमन करेगी और फिर लास्ट में व्यंजन पर्याय शुद्धता को प्राप्त होती है, फिर सिद्ध ही बन जाते हैं, फिर दोनों स्वभाव रूप से ही परिणमन होता है। तो तो आंसर तीसरे का थ्री आंसर, जाएगा कि जीव द्रव्य आएगा दीदी यहाँ पे कोई द्रव्य नहीं आएगा, किसी का भी ऐसा नहीं होता है।
अगर विभाव अर्थ पर्याय चल रही है तो स्वभाव में आएगा ही नहीं। क्या हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका ऐसे कॉम्बिनेशन में चले, क्योंकि ये मान लेना कि स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध पर्याय में ही होती है। अगर जीव द्रव्य में लगाओ और बाकी के द्रव्य में लगाओगे तो स्वभाव व्यंजन पर्याय धर्म अधर्म आकाश काल में होती है, लेकिन वहां पे कोई विभाव होता ही नहीं है तो वो द्रव्य पहले से ही चले जाते हैं। अगर परमा पुद्गल में लगाओगे तो स्वभाव व्यंजन पर्याय माने परमाणु का आकार हो, अगर परमाणु का आकार है तो विभाव कैसे पॉसिबल है, तो वो भी स्वभाव ही होगा। जहां जहां परमाणु वहां वहां स्वाभाविक परिणाम है, जहां जहां स्कंद वहां वहां वैभाविक परिणाम जवाब होता है। हाँ, तो यहाँ पे तीसरे का आंसर यही है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका स्वभाव व्यंजन पर्याय हो और उसके साथ में विभाव अर्थ पर्याय हो, नहीं हो दीदी, सकता है। इसकी जैसे ज्यादा समय पांचवा, टिकने वाली ज्यादा समय टिकने वाली पर्याय हो गई ना सिद्ध अवस्था, मैं उस पर्पस से कर रही थी, इसलिए हाँ नहीं मुझे विभाव अर्थ समझ में पर्याय को आया, ले रही। हाँ नहीं मैंने आंसर देखे तभी मुझे लगा कि इसको थोड़ा हाँ सा खोलना चाहिए, इसीलिए मैंने आज पहले ये लिया फिर नया टॉपिक करते हैं सोचा, क्योंकि प्रश्न का भावभाषण ही नहीं हुआ ऐसे मुझे लगा, वो जो असमान और समान था ना उसका भी मुझे ऐसा लगा कि किसी किसी को वो कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ लेना है कैसे लेना है, तो अभी तो समझ में आया ना स्वभाव और विभाव और कौन से द्रव्य में, बताओ ये जानबूझ के कहा था, क्योंकि ऐसा एक्चुअली कोई द्रव्य होता ही नहीं है। यहाँ पे ज्यादा देर टिकनी वाली पर्याय ऐसा नहीं लिखा था ना, ठीक है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा आपने सभी ने अरे प्रयास किया। तो लास्ट का फोर, क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में दीदी, व्यंजन और अर्थ पर्याय में पहले शुद्ध कौन होता है? तो जी सिद्ध दशा और परमाणु दोनों आ सकते हैं। नहीं यहाँ पे द्रव्य नहीं पूछा है, यहाँ पे अर्थ पर्याय पर्याय, पूछी है, तो यहाँ पे पहले अर्थ पर्याय शुद्ध होती है और उसके बाद में व्यंजन पर्याय शुद्ध होती है। यहाँ पे सिर्फ पूछा था कि पर्याय पहले कौन सी शुद्ध होती है, तो पहले अर्थ पर्याय शुद्ध होती है और फिर बाद में व्यंजन पर्याय शुद्ध होती है, इतना ही अपेक्षित है, यहाँ पे द्रव्य लगाना ही नहीं है। लास्ट हाँ में जो था, व्यंजन पर्याय समान हो ऐसे द्रव्य बताओ। तो यहाँ पे हमने पिछली बार के या पिछला या लास्ट इसमें किया था, धर्म अधर्म और लोक पूरण समय में, जो केवली समुद्गत का लोक पूरण समय है, वहां पे जो जीव है उसके व्यंजन पर्याय समान होती है जो कि लोक प्रमाण असंख्यात है, और एक ऐसा है जो कि कालाणु और कौन उद्गल है परमाणु। परमाणु, एक प्रदेशी है, तो ये दो आंसर हो सकते हैं, माने दो कॉम्बिनेशंस है। अगर आप लोग एक प्रदेशी लोगे तो कालाणु और परमाणु लोगे, और असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात अगर व्यंजन पर्याय लोगे तो धर्म अधर्म और जीव द्रव्य कौन सा वाला, जो चौथे समय में जो वो लोक पूरण समय में रहता है पूरे लोकाकाश में। दीदी आवाज चली गई थी, फिर से बोली नहीं, सभी को आवाज चली जाती है सही बीच है, बीच बीच में बीच में चली जाती है, क्वेश्चन थोड़ा ओके, क्योंकि आज ऐसा 5 कुछ फिर से कहिए। ठीक है। तो ये जो लास्ट का क्वेश्चन है, व्यंजन पर्याय समान हो तो हमें आकार देखना है, व्यंजन पर्याय आकार, आकार कौन कौन से द्रव्य पूछा है, द्रव्य बताओ, तो कौन कौन से द्रव्य का आकार समान रहता है, तो यहाँ पे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोक लोक आकाश क्या प्रदेशी है, तो दीदी, ये दिखा देंगे। तो फिर जीव द्रव्य कभी ऐसा होता है क्या, तो हमने केवली समुघात में पढ़ा था कि लोक पूरण के समय में वो पूरे लोकाकाश में फैलता है, तो उस समय उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार लोक प्रमाण असंख्याति है जैसे धर्म द्रव्य का है। तो यहाँ पे तब हमने ये तीन गिने, लोक प्रमाण असंख्यात वाले धर्म अधर्म और लोक पूरण वाला जीव, जब वो लोक पूरण समुद्घात कर रहा है केवली समुद्घात का लोक पूरण वाला समय तब का लेना। दूसरा ऑप्शन उसका कौन सा है,
तो पुद्गल का परमाणु और कालाणु ये भी क्या है, समान समान प्रदेशी है। हाँ, एक प्रदेशी है तो इनकी भी व्यंजन पर्याय समान होती है। तो ये मेरा सही है, पर वो अगला वाला दोनों का गलत था। ठीक है आपने बहुत अच्छे से प्रयास करते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, इतना ज्यादा विकल्प तो मत कीजिए। लेकिन अभी समझ में आया आप सभी को? हाँ दीदी, हाँ, अभी हम नेक्स्ट अपना जो है उसको पढ़ेंगे। आज ये पर्याय हो गया, फिर हमने लोक का जो देखा था समुद्गत ये भी हो गया, अस्थिकाय भी हमने पढ़ा ही पढ़ा है। अभी हम ये अभाव वाले नहीं, यहाँ पे देखिए। हाँ, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण 1.8 सभी को शेयर हो रहा है ना, दिख रहा है स्क्रीन? जी हाँ जी हाँ तो अभी हम हाँ पहले पहले प्रतिजीवी गुण देखेंगे, फिर अनुजीवी गुण देखेंगे। प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, जैसे नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। यहाँ पे जो धर्म लिया है उसको गुण ही लेना, जैसे वस्तु के अभाव स्वरूप गुण को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। यहाँ में धर्म में गुण हमें लेना है, जैसे अमूर्तत्व, जीव दिखता है क्या? नहीं। नहीं। अमूर्त का क्या है? प्रतिजीवी गुण है। मूर्तत्व का ओ, तो ऐसे जो अभाव रूप है, माने गुण तो मेरे पास है लेकिन वो बताते कि ये नहीं है, तो चेतनत्व मेरे पास है, तो प्रतिजीवी गुण कहता है कि अचेतनत्व जो माने जीव के पास नहीं है अचेतनत्व, लेकिन अगर मैं पुद्गल को लूंगी तो अचेतनत्व क्या हो जाएगा? उसका प्रतिजीवी गुण हो जाएगा, क्योंकि पुद्गल क्या है? जड़ है, चेतन अच्छा नहीं है उसके पास, तो ये अचेतनत्व पुद्गल का प्रतिजीवी गुण हो जाएगा। हाँ, देखिए हमारे आत्मिक गुण जो होते हैं, हमारे बहुत सारे गुण हैं, उसमें हमारा पहला विकास, पहला शुद्ध परिणाम जो होता है वो चतुर्थ गुण स्थान में होता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जो सिद्ध होने पर ही स्वभाव रूप से परिणमन करते हैं, उसके पहले प्रभा करते ही नहीं है। जैसे हमने प्रदेशत्व देखा था, प्रदेशत्व गुण अनादि से अपने पास है लेकिन कभी शुद्ध परिणमन हुआ ही नहीं उसका, जब सिद्ध पर्याय आ जाएगी तभी उसका स्वभाव रूप परिणमन हो जाएगा, ये हमने देखा था ना प्रदेशत्व गुण का। तो ऐसे कुछ और गुण है जो जब सिद्ध पर्याय आती है तभी उसका स्वाभाविक रूप प्रकट होता है, उसे प्रतिजीवी गुण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो संसारी अवस्था में ऐसे हमारे पास बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे हमने आप मान लो पंचम गुण स्थान है, तो पंचम गुण स्थान में बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं, कुछ गुणों का परिणमन शुद्ध है, कुछ गुणों का अशुद्ध है, ऐसी स्टेज होती रहती है। हमने देखा था 4 से 14 गुण स्थान तक हमारे पास 3 पर्याय थी, है ना? अर्थ पर्याय में 2 पर्याय थी, विभाव भी थी और स्वभाव भी थी, याद है? तो कुछ गुण का क्या हो गया है? स्वभाव रूप परिणमन हो गया है, लेकिन कुछ गुण का विभाव रूप परिणमन हुआ है। ऐसे 4 से 14 हो सकता है, लेकिन ये जो प्रतिजीवी गुण है ना वो संसार अवस्था में 0% होते हैं और सिद्ध अवस्था में 100% होते हैं। जैसे अब बटन का स्विच होता है ना, ऑन किया ऑफ किया, तो एक बार में माने आइदर वो प्रकाश देगा या अंधार होगा, ऐसे बीच में होता है क्या? अरे नहीं, थोड़ी सी लाइट आई, फिर अभी थोड़ी बाद, ऐसा नहीं होता है ना, आइदर प्रकाश होता है या आइदर अंधेरा होता है। तो ऐसे ही प्रतिजीवी गुण कार्य करते हैं। तो ये प्रतिजीवी गुण कौन होते हैं? जैसे आर या पार होता है,
संसार अवस्था में पूरा जीरो उनका परिणमन रहता है और सिद्ध अवस्था में पूरे 100% उनका प्रतिजीवी गुणों का परिणमन होता रहता है। तो ये प्रतिजीवी गुण कितने हैं, कौन से हैं, वो अभी हम देखेंगे। देखो, जीव के प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? तो अव्यबाधत्व, अवघानत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व आदि अनंत गुण प्रतिजीवी गुण होते हैं। तो ये क्या क्या है? तो आपने जो हम कर्म लगाते हैं, तो अभी अघाती कर्म लेंगे। सिद्ध के गुण हो गए ये, तो चार चार तो सिद्ध मतलब सिद्ध के गुणों में, मूल गुणों में आ गए ना, अव्यावाग, अगुरु लघुत, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरु लघुत्व और अवगाहन। हाँ आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो। देखो, हाँ सभी गुण जीव में रहते ही है, ये हमारे में इसमें नहीं है क्या? है। मेरे पास अभी अव्यबाधित्व गुण है क्या? है, लेकिन उसका परिणमन नहीं हो रहा है क्योंकि 0% उसका कार्य चल रहा है। शुद्धता की लेवल पे लेना, हाँ परिणमन तो हो रहा है लेकिन शुद्धता 0% है। सिद्ध हो जाऊंगा तो 100% हो जाएगी, वहां पे ऐसा पंचम गुण स्थान वाला नहीं है, कुछ अशुद्ध, कुछ शुद्ध, थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। है या नहीं है, इतना ही चलता है प्रतिजीवी गुणों में। तो देखो, हमारे पास 8 कर्म होते हैं, आपको नाम पता है कर्मों के? देखो, हाँ जी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ज्ञानवरण, अंतराय, मोक्ष, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये अंतराय। कर्णांग में इसी सीक्वेंस से पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं उसको घाती और अघाती में अगर बाइफरकेट करूं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, एक हाथी है। जो जीव के गुणों का घात करता है उसको सुख नहीं प्राप्त करता है। हाँ, सुख जी, हमें क्या करना है, हमें संसार में सुख चाहिए, लेकिन ये करने नहीं देता है। ये ऐसे चार क्या है, कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, ये जीव को सुख प्राप्त करने में बाधा दायक है। आप मोटे मोटे में लगा लेना। लेकिन ये जो अघाती कर्म है, आयु, नाम, गोत्र और वेदन, जो है ये अरहंत अवस्था में होते हैं, उनको संपूर्ण सुख प्राप्त है ना? है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये सॉरी, ये प्रतिजीवी गुण है, तो ये कौन से, ये अव्यबाधत्व, ये जो गुण है ना, इनका घात करते। तो ये कौन कौन से, मैं बताती हूँ। देखो, वेदनीय कर्म जब हट जाता है, वेदनीय कर्म समूल नष्ट होता है, तो पूरा अव्यबाधत्व प्रकट होता है। आयु कर्म पूरा हट जाता है तो अवघानत्व प्रकट हो जाता है। नाम कर्म पूरा हट जाता है तो सूक्ष्मत्व पैदा हो जाता है, और गोत्र कर्म पूरा हट जाता है तो अगुरु लघुत्व पैदा हो जाता दीदी फिर से बोलो, अव्यवाद कब? है। हाँ, वेदनीय कर्म जब पूरा हट जाता है तो अव्यबाधत्व गुण प्रकट हो जाता है। आयु, अवगाहनत्व, नाम कर्म सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म अगुरु लघुत्व। तो अभी हम एक-एक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अवगाहनत्व क्या है? पहले आयु से चालू करते हैं। हाँ, आयु, अवगाहनत्व, जब आयु का उदय रहता है तो शरीर और आत्मा का एक संयोग बना रहता है। मैं एक क्षेत्र में आयु, सॉरी, आत्मा और शरीर, ये दोनों एक क्षेत्र में अवस्थित होते हैं, तो क्या होता है, ये क्षेत्र शरीर का मुझे संबंध अभी चल रहा है क्योंकि मेरे पास आयु कर्म है, उससे क्या हो जाता है, मैं कोई भी चीज मुझसे आर पार चली जाती है क्या? नहीं, मैं अड़ाती हूँ चीजों को। हाँ, मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं आपके शरीर से आर पार चली जाती हूँ क्या? नहीं जा सकती हूँ।
मुझे अड़ता है, अड़ाता है। जगह शरीर जो है वो जगह घेरता है, हाँ कुछ ना कुछ एरिया घेरता है वो। तो इसके वजह से वहां पे अवगाहनत्व प्रकट नहीं होता है। हाँ तो अगर उसका क्षय हो जाता है तो क्या होता है, शरीर आयु नष्ट। छूट जाता है, तो शरीर नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी आयु नष्ट हो गया तो मैं क्या हो गई, ये कब होता है, सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान जब भी विराजमान है, मानो अभी महावीर भगवान बैठे हैं और कोई विद्या क्षेत्र से उसी जगह से मोक्ष गया, तो वो वहां पे महावीर भगवान के उसी जगह पे आएगा। तो महावीर भगवान बोले चल हट, मैं यहाँ पे बैठा हूं ना, थोड़ा साइड में जाके बैठ, ऐसा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे समझेंगे, क्योंकि क्या है, अवगाहनत्व प्रकट है। तो आप एक ही महावीर भगवान के उसी जगह पे, क्योंकि आकार ही है वहां पे, कोई शरीर नहीं है अड़ाने वाला, तो एक ही इस पे अनंत सिद्ध भगवान समा सकते हैं उसी क्षेत्र में। तो यहाँ पे अड़ाने का, अड़ने का, कुछ एरिया घेरने का कोई बाउंड्री नहीं है, जितना आते हो आने दो, हम समा लेंगे। हमने एक एग्जाम्पल देखा था आकाश द्रव्य के एग्जाम्पल में, जब हमने वो एक ग्लास लिया था, उसमें हमने क्या डाले थे, पूरा भर के पानी डाला था, फिर उसके बाद में उसमें राख डाली थी, फिर कुछ कुछ कीले डाले थे, लेकिन वो समा गए थे ना उस। तो फिर और एक हमने किया था, ध्वनि रहती है, साउंड वेव्स रहते हैं, वो भी एक दूसरे में समा जाते हैं। आकाश द्रव्य में ऐसी अवगाहनत्व शक्ति होती है जिससे हम एक ही जगह पे बहुत सारे ये हो जाते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लिया था मैंने, मेरे रूम में चार दिए हैं अलग अलग कलर के, अगर मैं रेड कलर का दिया जला देती हूँ और फिर ब्लू कलर का दिया जला देती हूँ, तो पूरा पहले तो नीला हो जाएगा फिर लाल हो जाएगा, लेकिन वो बोलेगा क्या, अरे लाल वाला, अरे नहीं यार नीला तू दूर हो जा, मेरी जगह मत घेर। वो एक बैग हो जाएगी और सभी जगह पे घेरेंगे ना, टाइप का बराबर। लाइट मर्ज होती है, वैसे उस टाइप का अवगाहनत्व जब सिद्ध हो जाते हैं तब प्रकट होता है। उससे पहले संसार अवस्था में 1 से 14 गुण स्थान में ये जीव ये प्रकट नहीं होते हैं। तो ये हमने अवगाहनत्व देखा जो कि सिद्ध अवस्था में आयु कर्म के अभाव में प्रकट होता है। दूसरा इससे दो चीजें हैं, अगर हम कहेंगे यहाँ पे जो शंकाकार होता है वो ये पूछता है कि निगोद में भी हमने देखा था कि अनंत जीव एक साथ रहते हैं, एक ही शरीर का स्वामी होता है, तो आपने ऐसे का क्यों कहा कि सिद्ध भगवान के वहां पे ही होता है, हमने तो देखा है निगोद में इतने जीव एक साथ रहते हैं, लेकिन वहां पे ना, वहां पे अवगाहनत्व नहीं। नहीं हाँ उनको साधारण नाम प्रकृति का उदय चल रहा है, इससे उनमें सूक्ष्म की एक टाइप रहती है वो प्रकट होता है, और वो बहुत छोटे हैं लेकिन वो डिस्टिंक्टली अलग अलग है, उनमें अवगाहनत्व प्रकट नहीं होता है जिससे वो समा जाओ मुझ में, नहीं वहां पे भी वो अनंत अलग अलग ही होते हैं। और दूसरी चीज, अगर सूक्ष्म जीव है, हमने कहा था कि जीव जो पूरे लोक में ठसा ठस बड़े हैं, उसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी को अड़ते नहीं, अड़ाते नहीं, अपने आयु प्रमाण वो मरते हैं, माने उनका कुछ ये नहीं होता है काल मरण, या जैसे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है वैसा वहां पे कुछ नहीं होता है, उनके आयु प्रमाण वो जीते हैं और आयु प्रमाण से ही मरते हैं, वहां पे उनको कोई भी हानि नहीं होती है। तो ये कैसे है, वहां पे भी अवगाहनत्व प्रकट होना चाहिए ना, तो वहां पे भी अवगाहनत्व नहीं है, सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है। देखिए नाम कर्म की एक क्वालिटी है जिससे मैं सूक्ष्मत्व प्राप्त कर सकती हूँ, वो वाला सूक्ष्मत्व नहीं, तो सूक्ष्म लेकिन कर्म का उदय है, और सूक्ष्म मैं बन सकती हूँ जिससे मैं अड़ाती नहीं हूँ, ये नहीं करती हूँ, लेकिन मुझ में अवगाहनत्व प्रकट
नहीं होता है, ऐसे केवलियों का कथन है। और ये केवली भगवान वीतरागी होते हैं, हमें उनके इसमें, क्योंकि मैं आपको बोला प्रूफ करो दिखाओ तो हमें, तो मैं दिखा सकती हूँ क्या? नहीं, अपने आंखों से नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं है। पर मैं आगम दृष्टि से, आगम चक्षु से दिखा सकती हूँ कि नहीं? हाँ दिखा सकती हूँ, क्योंकि केवल ज्ञान ज्ञानियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें ये प्रमाण आता है ना? तो ये समझ में आया, निगोद और सूक्ष्म जीव में अवगाहनत्व प्रकट नहीं होता है, उनके नाम प्रकृति की वैसी क्वालिटी होती है जिससे हमें वो अड़ता नहीं, अड़ाता नहीं, ये दिखता, माने ये समझ में आता है, लेकिन उसमें अवगाहनत्व गुण नहीं है, इससे वह प्रतिजीवी गुण नहीं होता है, उनका प्रकट नहीं होता है। ये समझ में आया दीदी, आपको अवगाहनत्व? निगोद और कौन से जीव में अवगाहना प्रकट नहीं होता? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव लोक में ठसाठस भरे होते हैं, वो किसी को अड़ते नहीं है, अड़ाते नहीं है, कुछ हानि नहीं करते हैं। तो आता है कि अड़ता नहीं है ना, तो आप बोलो उनको प्रतिजीवी गुण प्रकट हो गया है अवगाहनत्व, तो वैसा नहीं है, उनमें सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है इसीलिए वो अड़ता अड़ाता नहीं है, लेकिन अवगाहनत्व वजह से नहीं है। हाँ ये यहाँ पे हाईलाइट करना था। अभी दूसरा जो गुण है वो सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व या उसे अमूर्तत्व कहते हैं, नाम कर्म। नाम कर्म से क्या होता है, हमें शरीर प्राप्त होता है। शरीर कैसा है? उद्गल का पिंड है, उद्गल का पिंड है माने मूर्त तत्व है, उसमें स्पर्श स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, तो ये मूर्तत्व गुण शरीर का है, नाम कर्म के वजह से, जिससे हमें अंग अंगोपांग मिलते हैं। हमारा अभी जो शरीर है वो स्थूल शरीर है, जिससे अंग है, अंगोपांग होते हैं, लेकिन अगर मैं अगर नाम कर्म का क्षय कर दूं तो स्थूलता नष्ट हो जाती है और सूक्ष्मत्व प्रकट हो जाता है। इससे एक जगह पे कई जीव रह सकते हैं। हाँ अमूर्तत्व प्रकट हो जाता है, मेरा कोई भी मूर्तपना नहीं रहता, आकार रहेगा लेकिन मूर्तपना नहीं रहता है वहां पे। ये यहाँ पे समझना है, सूक्ष्मत्व में समझ में आया? एक बार फिर से समझाना देखो दीदी। ना, जिसके अभाव में जो गुण प्रकट होता है वो उस गुण की उसके बारे में देखेंगे। नाम कर्म है तो नाम कर्म से क्या होता है, अंग उपांग आदि की रचना होती है। हाँ शरीर के बारे में ये नाम कर्म होता है। हाँ अघाती कर्म है, ये जब तक नष्ट नहीं होता तब तक मुझे सूक्ष्मत्व प्राप्त नहीं होता। सूक्ष्मत्व क्या करता है, अमूर्तत्व पना प्रकट करता है, जबकि ये पुद्गल है, पुद्गल में कितना भी पुद्गल कौन सा भी ले लो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण रहते हैं और वह अमूर्तिक नहीं हो सकता है, वो मूर्तता को ही धारण किए होता है पुद्गल। पुद्गल भी हमने बहुत सारे टाइप के पुद्गल देखे थे, वर्गणाओं में भी और सूक्ष्म और स्थूल रूप में भी। तो आपने कहा था वो अंधेरा को भी हमने ये किया था, पुद्गल घोषित किया था, फिर उजाले को किया था, द्रव पदार्थों को किया था, तो उसमें स्थूलता और सूक्ष्मता हो सकती है लेकिन वहां पे अमूर्तत्व नहीं होता है। तो मूर्तत्व कब हो जाता है, जब नाम कर्म पुनः क्षय हो जाता है। वो कब हो जाता है, तो जब हम सिद्ध भगवान बन जाते हैं तो पूरे सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है, क्योंकि नाम कर्म का अभाव हो गया है। तो ये सूक्ष्मत्व जो गुण है वो अभी हमने नाम कर्म के अभाव में प्रकट किया। अगला गुण है अव्याबाधत्व। अव्याबाधित्व माने निराबाध, बाधा रहित, जिसमें कभी भी अंतराल या फिर कुछ, हम बोलते हैं ना ऐसा कार्य करो जहां पे बाधा नहीं हो जाए, कहीं पे भी उसको व्यत्यय नहीं आ जाए, ऐसा कुछ भी कारण नहीं रहे जिससे उसमें कुछ अः ये हो जाए, क्या विघ्न आ जाए या कुछ तो उसका खंड हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो,
ऐसा ओ व्या बाधत वो बाधा रहित हो, ऐसा हमें क्या हो जाता है, गुण प्रकट हो जाता है। कब हो जाता है? जब वेदनीय का क्षय हो जाता है। तो वेदनीय का क्षय कब हो जाता है? तो जब हम सिद्ध बन जाते हैं, तो पूरा वेदनीय क्या हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। बाधा रहित। हाँ वेदनीय वो मोहनीय के साथ चिपका रहता है। जब मोहनीय होता है तो वेदनीय और जोर से दुख दुख का अनुभव करने के लिए वेदनीय होता है, दुख दुख का अनुभव कराता है। तो जब मोहनीय होता है तो प्रकटता से हमें उसका वेदन करना, कि जब सिद्ध भगवान हो जाते हैं तो वहां पे अव्याबाधत्व सुख प्रकट हो जाता है, जहां पे कभी भी बाधा नहीं होगी। क्योंकि हमने देखा था, एक बार सिद्ध हो गए तो वहां पे रिटर्न जर्नी नहीं है। अरे यार ये भूल गया था मैं संसार पे जाऊं, नहीं, आप एक बार सिद्ध हो गए तो जैसे फाइनल। और वो भी किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मैं बात करने का। तो जो अव्याबाधत्व जो प्रकट हो जाता है, वहां में कोई बाधा नहीं रहेगी। अभी महावीर भगवान है, वो अव्याबाधत्व रूप से अपने सुख को भोग रहे हैं। वहां पे कोई कभी बाधा नहीं उत्पन्न होगी। कब तक? अनंत काल तक। तो ये गुण है वेदनीय के अभाव में प्रकट होने वाला अव्याबाधत्व। पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में दुख ही होता है। जब आत्मानुभव होता है तो सुख का वेदन होता है। चौथे पांचवे छठे सातवें गुणस्थान में सुख और दुख मिक्स सिचुएशन में होता है। फिर आठवें नौवें दसवें, वहां पे भी अबुद्धिपूर्वक कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कर्मों का उदय चलता रहता है। लेकिन जब हम 13वें गुणस्थान से या फिर बाकी के नैनावरण आदि भी छोड़ देते हैं, फिर 14वें गुणस्थान में जैसे जाते हैं, तो वहां पे पूरे सुख का वेदन होता है। यहाँ पे कोई घाती भी नहीं है, अघाती भी नहीं, किसी का भी बाधा नहीं है। तो ये क्या है? अव्याबाधत्व वेदनीय के क्षय में। और वेदनीय सबसे लास्ट में जाता है, इसीलिए अव्याबाधत्व सबसे लास्ट में ये हो जाता है। एक्चुअली ये सभी प्रतिजीवी गुण एक साथ ही प्रकट हो जाते हैं सिद्ध अवस्था में, क्योंकि प्रतिजीवी गुण है। हा? देखो 11वें और 12वें गुण स्थान में हम पूर्ण सुखी कहते हैं, जहां पे मोह नहीं है। हाँ 13वें और 14वें गुण स्थान में अनंत सुखी कहते हैं। वही उसी उसी सुख को हमने क्या कहा, क्योंकि चारों घाती का नाश हो गया, इसीलिए हमने उसे क्या कहा, अनंत सुखी कहा। लेकिन सिद्ध हो जाएंगे ना तो उसे अव्याबाधत्व कहेंगे, जहाँ पे बाधा ही नहीं रहेगी। हम कभी कभी बोलते हैं ना कान से, यार बाधा हो सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। सिद्ध अवस्था में पूरा अव्याबाधत सुख ही रहेगा। और जो वेदनीय है तो अव्याबाधत्व 13वें और 14वें गुणस्थान में अनंत सुख है, फिर भी वहां पे क्या है, तो केवल ज्ञान गम्य है। क्योंकि वेदनिया का कोई ना कोई कर्म का उदय है ना, तो हम वहां पे कुछ ना कुछ तो अशुद्धि थी मानते ही है, मानते हैं। कर्म का दीदी, उदय जहाँ कौन से गुण स्थान तक रहता है वेदनीय कर्म? पूरे वेदनीय लास्ट में जाता है, 14वें गुणस्थान में उदय रहता है, और फिर 14वां जैसे खत्म कि वो ये हो जाता है। अच्छा, देखो वेदनीय के दो भेद, साता साता। हाँ, लेकिन आप देखो हाँ ये जो गुणस्थान है ना, जीव माने जीव की तारतम्य अवस्था को गुणस्थान कहते हैं, लेकिन ये जो पूरे कर्म के परिपेक्ष में होती है, पूरे हाँ कर्म का कहीं ना कहीं तो अवलंबन है, इसे ये गुणस्थान बने होते हैं। और गुणस्थानातीत, जहाँ पे कर्म कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, वो गुणस्थानातीत बनते हैं। तो आप कौन सा भी 14वां गुणस्थान ले लो, लेकिन वहां पे भी वेदनीय का उदय होता है। बांधेगा नहीं वो, लेकिन हाँ उदय ही है ना। उदय चलेगा। हाँ तो इस अपेक्षा से वहां पे कुछ ना कुछ तो अशुद्धि है। और ये जो जब भी बहुत सूक्ष्म कतन रहता है ना, तो वहां पे केवल ज्ञान गम्य ही लेना, क्योंकि क्या
केवल ज्ञान ने वो एक्चुअली देखा है वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी उतनी क्षमता नहीं ना वो जान सके। तो हमें केवल भगवान की वाणी को क्या करना है, वैसे ही जानना है, भगवान ने बताया तो वैसा ही। लास्ट का है अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व माने अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व बनता है। गोत्र कर्म में भी बहुत बार छोटे उच्च और नीच गोत्र आता है ना, तो वहां पे छोटे बड़े का ऐसा वहां पे ये रहता है। तो आप मान लो कि एक मैनेजर है, कंपनी का मैनेजर है, तो मैंने जॉब छोड़ दिया मैनेजर और दूसरे कंपनी में एज अ मैनेजर मैं लग गई, तो मेरी सैलरी क्या रहेगी? और अगर मैं जूनियर बन के, उनके ही जूनियर बन के, माने एक सीनियर है एक जूनियर है, तो मेरी सैलरी क्या रहेगी? तो मैनेजर की सैलरी ज्यादा रहेगी, जूनियर की सैलरी कम रहेगी। पर्सन मैं ही हो सकती हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग के हिसाब से मेरी सैलरी क्या होती है, ज्यादा कम लगती। तो ये जो ज्यादा कम ये जो है ना, तो यहाँ पे अगुरु लघुत्व काम करता है। अगुरु लघुत्व माने अगुरु और अलघु, गुरु माने बड़ा भी नहीं, लघु माने छोटा भी नहीं, लघु भी नहीं, गुरु भी नहीं, सभी समान। तो हमने जो देखा था अब भी लास्ट टाइम में, अर्थ पर्याय सभी की क्या होती है, समान होती है। तो ये अगुरु लघुत्व है, कोई है। जो प्रयोजनकारी गुण होते हैं ना, उसकी बात करते हैं। आकार प्रयोजनकारी है क्या? नहीं है। उससे सुख दुख होता है क्या? तो ऐसा अगर आकार पे मानेंगे तो हमें बोलना चाहिए कि अरे वो बाहुबली भगवान थे ना, उनको बहुत ज्यादा सुख था, महावीर भगवान तो कम था क्रमानुगत, ऐसा होगा ज्ञान नहीं ना। तो यहाँ पे ये लगाना, वहां पे अगुरु लघुत्व पैदा होता है, तो कोई भेदभाव नहीं होता है, सबका सेम लेवल से, मानी सभी का अस्तित्व सेम लेवल से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्वार्थ सिद्धि में हम बोलते हैं ना, वहां पे कोई भी इंद्र प्रति इंद्र ऐसा कुछ संकल्पना नहीं है, सभी इंद्र रहते हैं, अहम इंद्र, सभी खुद के इंद्र है, कोई घट नहीं, कोई बड़ा नहीं। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी गुण हैं जो है, मैं अगुरु लघुत्व पैदा हुआ है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी समान रूप से शुद्धता को प्राप्त है, ये अगुरु लघुत्व बताता है। तो गोत्र का अभाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगुरु लघुत्व प्रकट हो जाएगा। यह अगुरु लघुत्व ना जिनवाणी में चार जगह पे आता है, और हर जगह पे उसका अलग कंटेक्स्ट रहता है। देखिए, हमने अगुरु लघुत्व एक सामान्य गुण देखा था, याद है आपको सभी को? जी हाँ, तो यहाँ पे ये प्रतिजीवी गुण लेना, जिसमें गड़बड़ नहीं होती है, और जो हमने वो अलग देखा था, वो अगुरु लघुत्व अलग है। जो सामान्य गुण है, जिसमें क्या होता है, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप जी होता, और उसके गुण अलग बिखर के अलग अलग होते हैं। नहीं होते। ये सामान्य गुण वाला अगुरु लघुत्व है। हाँ, दूसरा जो है एक प्रतिजीवी गुण, जो कि गोत्र कर्म के अभाव के रूप में प्रकट हो जाता है, जिससे हमने अभी देखा, जिसमें छोटा बड़ा की कोई संकल्पना नहीं होती। मैंने अगर सिद्ध कहा तो सभी सिद्ध समान है, यही हमें आता है। हम ऐसा बाइबल परकेट करते हैं क्या कि महावीर भगवान सिद्ध को अलग गिनाओ, बाहुबली भगवान सिद्ध को अलग गिनाओ? हम जब सिद्ध आते हैं तो सभी समानता की भावना आती है, सभी शुद्धता की, एक सलग सभी प्रकार से शुद्धता को प्राप्त, ऐसे समान सिद्ध सभी नजर में आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे गोत्र कर्म के अभाव में जो प्रतिजीवी गुण रहता है वो अलग है अगुरु लघु। तीसरा, जो नाम कर्म की प्रकृति है, जो कि हमारा शरीर पे होता है,
जो हल्का भारी नहीं होता। माने मेरा शरीर, अगर मुझे अभी नाम कर्म का उदय ना, तो मेरे शरीर की क्वालिटी ऐसी है, अगुरु लघुत्व कैसी है, जो इतना भी हल्का नहीं रहेगा कि उड़ जाएगा, और इतना भारी नहीं रहेगा मेरा शरीर कि मैं एक जगह पे रहूंगी तो वहीं पे रहूंगी। ऐसी शरीर की क्वालिटी होती है नाम कर्म के वजह से, उसे अगुरु लघुत्व नाम कर्म कहते हैं। हाँ, नाम कर्म की त्रैण्यो प्रकृति में एक अगुरु लघुत्व, एक प्रकृति होती है जिसका उदय मुझे है, मुझ में है, इसीलिए मेरा शरीर ऐसे हवा में कहीं पे भी उड़ नहीं जाता है, या फिर एकदम जमीन पे वैसा क्या वैसा नहीं रहता है। हाँ, ये तीसरा हो गया। हमने एक सामान्य गुण देखा था, एक प्रतिजीवी गुण देखा था, नाम प्रकृति एक देखी थी। हाँ, और एक 47 शक्ति जो होती है, 47 शक्तियां होती है, उनमें से एक 17 नंबर की शक्ति है अगुरु लघुत्व। वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित बनी रहती है, इसका यह मीनिंग है, वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है। ये अगुरु लघुत्व शक्ति का मीनिंग है। तो ये अगुरु लघुत्व जिनवाणी में चार जगह पे डिफरेंट आता है, लेकिन हमें अब जैसे सामान्य गुण की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे ये मत लगाना अरे वो अगुरु लघुत्व माने गोत्र कर्म का अभाव चल गया हो गया, नहीं। तो यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा कैसे कैसे जैसा टॉपिक रहता है वैसा वहां पे अगुरु लघुत्व लगाना है। एक सामान्य गुण है, एक प्रतिजीवी गुण है, एक नाम कर्म की प्रकृति है, और एक 47 शक्तियों में 17 नंबर की शक्ति। ये अगुरु लघु तो समझ में आया? जी हमने आज प्रतिजीवी गुण देखे, जो कि आर या पार होते हैं, उनका ऐसे धीरे थोड़ा शुद्ध थोड़ा शुद्ध ऐसा परिणमन नहीं होता, वो पूरे गुण प्रकट होते हैं सिद्ध अवस्था में ही। ओके, जी ये जो अगुण लघुत्व गुण है, इसमें भी ना थोड़ा सा डीपली जिनागम में बहुत वर्णन आता है। क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण कैसा है पता है क्या? जो शक्ति के अंश लेके बैठा हुआ है, जो हमने एक बार देखा था ना कि अगर मैं आपको दूध का, भैंसे का, सॉरी भैंसे का, दूध का और बकरी का दूध दूंगी, तो आपको क्या उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है ना? तो जी वो शक्ति के अंश रहते हैं ना, भैंसे के में गाय से ज्यादा होते हैं, ज्यादा थिक वाला होता है, गाढ़ा वाला होता है, तो इसे फैट बोलते हैं ना, फैट युक्त होता है, वो शक्ति का अंश है, और वो अगुरु लघुत्व में नापा जाता है, माने मैक्सिमम वहां पे होता है कि प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक गुण में षट गुण हानि वृद्धि होती है। माने जो गुण है उसमें हम परिणमन तो हो रहा है, तो परिणमन भी कौन सा कैसे हो रहा है, तो वो शक्ति के गुण बढ़ते हैं या कम होते हैं, बढ़ते हैं या कम होते हैं, बढ़ती गुण और हानि, तो वो षट गुण का तो उसमें भी परसेंटेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनंत व भाग हानि हो गई या बढ़ गए, या अनंत असंख्यात भाग हानि हो गई या बढ़ गए, संख्यात भाग हानि हो गई या बढ़ गए। हाँ, तो ये षट गुण हानि वृद्धि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूंगी कि 1000 वृद्धि, माने 1 लाख परमाणु है मेरे पास, और उसमें मुझे भाग लगाना है, वृद्धि यानी वृद्धि और हानि अगर 1000 है, तो अगर मैं एक लाख को अनंतवा भाग, माने मैंने कम कर दिया, तो क्या आ जाएगा? 1 लाख/1000 अगर करूंगी तो क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा मेरे पास, 5 जीरो थे उसमें से 4 चले गए तो 10 आ गया।
वैसे ही ऐसे मैं असंख्यात का भाग लगाऊंगी, संख्यात का भाग लगाऊंगी, तो मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त जो होता है वो षट गुण हानि वृद्धि रहती है। थोड़ा ये विषय डिफिकल्ट जाता है क्योंकि हमें दिखता नहीं है ना, लेकिन आप ये लेना। हमने केवल ज्ञान में भी देखा था ना, अविभाग प्रतिच्छेद सबसे बड़े किसके हैं, तो वो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, क्योंकि गुणों में षडगुण हानि वृद्धि चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपने देखा है कि कभी फाउंटेन जो रहता है, फाउंटेन करना नहीं चाहिए, लेकिन वो फाउंटेन जब भी पानी रहता है वो नीचे से ऊपर आता है नीचे, लेकिन वो कभी भी सड़ा हुआ दिखता है क्या? जितनी देर वो नहीं, फाउंटेन चलता है तब तक वो प्योर रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का संपर्क आते आते वो क्या हो जाता है, शफल 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 होता रहता है। हमारे इसमें भी षडगुण हानि वृद्धि चलती 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 रहती है, इसीलिए शुद्धता को प्राप्त होता है। लेकिन वही हुआ अगर मैंने फाउंटेन बंद कर दिया और 5 6 दिन के बाद अगर गई मैं वहां पे, तो कैसा हो जाता है, पूरे उस पानी में क्या हो जाते हैं, जीव पैदा हो जाते हैं, शैवाल। खराब हो जाते, हाँ शैवाल आ जाते। तो ये सब जो है ना, तो हमारे इसमें हमारे गुणों में षडगुण हानि वृद्धि होती रहती है, इससे हमारे इसमें शुद्धता बनी रहती है। ओके, अभी हमारा टाइम हो चुका है, एक पॉइंट है, मान जाती है और जाती है, लेकिन वो हम कर लेंगे। इसमें किसी को डाउट है कि हमने जो प्रतिजीवी गुण देखे, प्रतिजीवी गुण में मैं शॉर्ट में सम अप करती हूँ, प्रतिजीवी गुण माने क्या था, वस्तु के अभाव स्वरूप हाँ धर्म को प्रतिजीवी गुण कहा। तो अभी मेरे संस्था में क्या है, उस चीज को 0% शुद्धता है, लेकिन जब मैं सिद्ध हो जाऊंगी तो 100% शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, जिन गुणों के पर्याय में कुछ भी शुद्धता का अंश पाया नहीं जाता संसार अवस्था में, उसे भी प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन आती है, जिन गुणों के पर्याय में कुछ भी शुद्धता का अंश पाया नहीं जाता संसार अवस्था में, उसे प्रतिजीवी गुण कहते हैं। तो हमने वो जो प्रतिजीवी गुण 4 लिए थे, उसमें कर्मों की अपेक्षा ली और उनका अभाव कराया। वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व प्रकट होता है, आयु कर्म के अभाव में अवगाणत्व प्रकट हो जाता है, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व अब प्रकट हो जाता है, और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व प्रकट हो जाता है। लोग और ये सब सिद्ध अवस्था में प्रकट हो जाता है। फिर हमने अगुरु लघुत्व में 4 डेफिनेशन अलग अलग अगुरु लघुत्व की देखी, जो जिनागम में आती है। एक सामान्य गुण है, एक प्रतिजीवी गुण है, एक नाम कर्म की प्रकृति है, और एक 47 में से है। ये हुआ क्लियर है आपको सभी को? दीदी, प्रतिजीवी गुण का एक बार बोल दो तो डेफिनेशन। गुणों के पर्याय में वो पता ना। जिन गुणों के पर्याय में कुछ भी शुद्धता का अंश नहीं पाया जाता संसार अवस्था में, उसे प्रतिजीवी गुण कहते हैं। और एक्चुअली जो डेफिनेशन है, आप दोनों लिखना, वस्तु के, हमने यहाँ पे देखी थी ना, जो यहाँ पे आई है वो ये है, वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। वस्तु के अभाव को। वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ये जो निगेक्षण वाले है ना, नास्तिक, अमूर्तत्व, अचेतनत्व, अव्याबाधत्व, अगुरु लघुत्व, अवगाणत्व, ये सब क्या हो जाता है, अमूर्तत्व, ये सब क्या है, प्रतिजीवी गुण है। संसार अवस्था में इनका अभाव ही पाया जाता है। हुआ? अभी कल हम अनुजीवी गुण देखेंगे, फिर अभाव देखेंगे।
अनुजीवी गुण के बारे में यहाँ पे ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा बताया गया है, वो हम देखेंगे और फिर उसके बाद में हम अभाव देखेंगे। अभाव भी बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर उसके बाद में ज्ञान, फिर हमारा हमारे पूरे इसमें चला जाएगा फिर। चेतना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, कैसे कैसे ज्ञान के ये आते हैं, क्या क्या हो जाता है, हमारा कैसा ज्ञान है, तो ये हम देखने वाले हैं। अब तक हमारे जितने भी यहाँ से हुए हैं वो ये 77 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, या अभाव के छोड़ के। हाँ, 70 से 75, 75 तक, या फिर आप लोग 9 हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें भी आप ये भी जो पीडीएफ है इसमें भी देखना, किसी को कुछ अगर अटका हो तो आप बताना। ये समझ में नहीं आया या कुछ प्रश्न है तो। आज अभी जो डिस्कस किए हैं उसके आंसर्स मैं ग्रुप पे शाम तक भेज दूंगी। तो आपको वो फिर से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। हाँ ठीक है, अभी यहीं पे रुकेंगे, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बता, नन्द जिनवाणी नन्द वंदना सतगार। सतगार।